हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं चीज़ पनीर टिक्का डिश, जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, और सरसों के तेल में हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको मिला देंगे। अब इनको मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच मिर्च का पाउडर है, और एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देंगे काला नमक स्वाद अनुसार, और यह है चाट मसाला। और इसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नॉर्मल नमक, सादा नमक डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिल गया है। अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में डालेंगे थोड़े से नींबू के रस, और इनको भी इसमें मिला लेंगे। ये थोड़े से भुने हुए बेसन है, तो हल्का सा हमने भून लिया और इसमें डाल देंगे। और एक कसूरी मेथी है, इसको भी इसमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे फ्रेश दही, तो घर का ये शुद्ध दही है फ्रेश, इसको इसमें मिला देंगे। और अच्छे से फेंटने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पनीर। अब पनीर को डाल करके इसमें हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे यह शिमला मिर्च, और इसके बाद डाल देंगे प्याज बारीक काट करके, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम टमाटर, ये भी हमने बारीक काट लिया है। अब इन सबको हम मिला देंगे। तब इन सबको हमने देखिए मिला दिया है। अब इसको हम ढक करके रख देंगे। तब तक हम इसकी चटनी तैयार कर ले रहे हैं, तो इसके लिए हम मेयोनीज है, तो हमने 4 चम्मच मेयोनीज ले लिया है, और इसमें डाल देंगे हम ये चटनी है, ये पुदीना और धनिया पत्ती की चटनी हमने बनाया है, इसमें मिला दिया है। अब इसको मिला करके एक साइड में भी इसको हम रख देते हैं। और इसके बाद अब हम लेंगे ये ब्राउन ब्रेड, और इनको हम इस कटोरी की सहायता से इसको कट कर लेंगे। इसी शेप में इसको हम काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हमने काट लिया है। इस तरह से इसको भी काट लेंगे। और इसके बाद एक दूसरी गिलास लेंगे इस तरह से, और इस गोल शेप में भी एक और हम कट लगा देंगे, एक रिंग टाइप का ये बन जाएगा, और इसको इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे इस तरह से। और इसी में हम स्टफिंग करेंगे, जो पनीर का जो मिश्रण में बनाया है इसमें डालेंगे। इस तरह सभी को हम बना करके अभी रख लेते हैं। जो हमने मिश्रण को रखा था ढक करके, अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसको चला देते हैं। अब इसके बाद कढ़ाई गैस पे रख करके गर्म कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़े से ऑयल, और इसमें जो हमने पनीर का मिश्रण बना के रखा हुआ है इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से डाल करके इसको थोड़ा भूनना है, इसको लगातार चला करके। इसे अब तेल निकल जाए तब समझ लीजिए अच्छे से भून गया है। इसको भूनने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हमने भून लिया है। हम मिश्रण को दूसरे बाउल में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इससे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कोई भी मोटे तले की कढ़ाई होनी चाहिए, और उसको गैस पे रख करके नमक डाल देंगे। तो जो नमक है ये इस्तेमाल किया हुआ नमक है, तो इसीलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है, और इसमें डाल देंगे एक स्टैंड। अब इसको ढक देंगे, हाँ थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई करके इसको गर्म करेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम जो टिक्का पनीर है उसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई प्लेट ले लें, और देखिए हमने इस तरह का प्लेट को ले करके इस पर एल्युमिनियम फॉल पेपर चिपका दिया है, और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा कोई भी ऑयल लगा दें या घी लगा दें इस तरह से, जिससे वो चिपके ना। अब चलते हैं, जो टिक्का पनीर है उसको हम तैयार करते हैं। इस तरह से ब्रेड ले लेंगे, और ये जो रिंग है इसके ऊपर रखेंगे,
तो पैसे उसके पहले हम इसको हम लगा देंगे। चटनी हमने बना के रखा था, मेयोनीज और धनिया पत्ती की चटनी है ये, इसको मिलाकर इस पर लगा देंगे। अब इसके ऊपर से जो रिंग है इसके रख देंगे। और इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार किया हुआ है पनीर की टिक्की के लिए, उसको इसमें इस तरह से सभी को पूरा अच्छे से भर देना है। अभी मैं दिखा दे रही हूँ, तो देखिए हमने सभी रिंग में मतलब जो पनीर की टिक्की है अच्छे से भर लिया इस तरह से, देखिए। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे चीज़, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसमें सभी को डाल दिया है। इस तरह सभी को अच्छे से डाल देंगे। अब इसके बाद ऊपर से घी या कोई भी ऑयल, आप कुकिंग ऑयल इस पर ऊपर से ग्रीस कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी भी हम लगा देंगे। अब इसके बाद ये जो हमने एल्युमिनियम फॉल पेपर है उसी पे हम ये सब रख करके, और जो हमने नमक को कढ़ाई में अच्छे से गर्म किया है उसके ऊपर इसको रख करके और ढक देंगे। तो इसको हम कम से कम 5 से 7 मिनट ऐसे ही ढकेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से देखिए पक गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप लोग इसको ओवन में भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, उसका कलर थोड़ा और अच्छा आएगा। इसमें थोड़ा सा कलर उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन क्रिस्पी बहुत बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा ये रेसिपी। थैंक यू।